वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा वर्मा। लव जिहाद अब एक ट्रेंड बनता जा रहा है। जिहादियों के खौफनाक मंसूबों के चलते हिंदू युवतियां इसका शिकार होती जा रही हैं। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, हिंदू युवतियां इस लव जिहाद में अपनी जान गवा बैठती हैं। ताजा मामला दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड का है, जहां की पुलिस ने आसिफ नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। ये कोई पहली बार नहीं कि लव जिहाद में किसी युवती की जान गई हो। इससे पहले भी कई बार हिंदू लड़कियों ने प्यार के चक्कर में पड़कर अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड का है, जहां 10 दिसंबर को एक महिला देशबंधु गुप्ता रोड थाने में शिकायत देने आई कि उसकी 20 वर्षीय बेटी शालू घर से ऑफिस के लिए निकली थी, लेकिन देर रात होने के बाद भी जब वो घर नहीं लौटी तो महिला ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बेटी के ऑफिस पार्क रोड, अजमल खान रोड और तमाम रिश्तेदारों के यहाँ बेटी को तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और लड़की की तलाश जारी करी। लेकिन फिर 12 दिसंबर को फरीदाबाद पुलिस ने जानकारी दी कि एक अज्ञात लड़की की लाश सूरजकुंड के जंगल में मिली है। पुलिस ने लाश की शिनाख्त करवाई तो लाश शालू की निकली। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने शालू के दफ्तर, पार्क रोड, अजमल खान रोड इलाके के तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। जल्द ही पुलिस को एक अहम सुराग मिल गया। शालू एक अनजान शख्स के साथ सीसीटीवी में एक केक शॉप पर जाते हुए दिखाई दी। शालू के साथ मौजूद शख्स ने मास्क लगाया हुआ था, इस वजह से उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस उसके बाद पहुंची उस केक शॉप पर, जहां सीसीटीवी में शालू एक शख्स के साथ जाते हुए दिखाई दी थी। पुलिस ने केक शॉप में काम करने वाले तमाम लोगों से पूछताछ शुरू की तो जानकारी मिली कि केक शॉप में काम करने वाला एक शख्स जिसका नाम आसिफ है, वो कुछ दिनों से दफ्तर नहीं आया है। जांच में पता चला कि आसिफ फरीदाबाद का रहने वाला है। बस तभी पुलिस ने शालू और आसिफ दोनों का मोबाइल लोकेशन 10 दिसंबर से खंगालना शुरू किया, जिसमें पुलिस को बड़ा सुराग हाथ लगा। पुलिस तुरंत आसिफ के घर पहुंची और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई। लेकिन पूछताछ में आसिफ ने जो भी खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले थे। आसिफ ने बताया कि शालू से मिलने के बाद वो उसे हासिल करने के सपने देखने लगा था, लेकिन शालू ने उसे साफ कर दिया था कि बिना शादी के वो किसी भी तरीके के शारीरिक संबंध को नहीं बनाएगी। बस यहीं से आसिफ ने हवस का एक ऐसा गंदा खेल खेला कि सभी हैरान हो गए। उसने शालू को 10 दिसंबर को ये कहकर मिलने के लिए बुलाया कि अब वो शादी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दोनों की मुलाकात पार्क रोड, अजमल खान रोड पर हुई। आसिफ ने शालू को बाइक पर बिठाया और फरीदाबाद के एक होटल में ले गया, जहां दोनों कुछ देर तक रुके। वहां पर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। फिर दूसरे दिन शादी वाले मुद्दे पर ही लड़ाई ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद शालू को बेहोश करके आरोपी आसिफ जंगल में ले गया और वहां पर उसने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।